वफाकी हुकूमत के पास 15 दिन का वक्त है, हमसे बात कर ले। वफाक ने सूबे को 300 अरब रुपए कम दिए। अपने आवाम के लिए चोर का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी मर्जी के बगैर सूबे में किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। बात न मानी गई तो वापदा के दफातर टेक ओवर करके दिखाएंगे। इनको अंदाजा नहीं है कि इनका गलत बंदे से पंगा पड़ गया है। हमारे सूबे को इस साल भी जो रेगुलर पैसा आता है, वो जो पुराने बकाया जात है, उस पर तो मैं बात करता हूँ बाद में आकर। जो रेगुलर पैसा आता है उस पर 300 अरब रुपया कम दिया गया है। ये वापडा के ऑफिस मेरे सूबे में है। इस सूबे के अंदर जो बंदा बैठेगा वो इस सूबे के लोगों की खिदमत करेगा, वो उस सूबे के रिलीफ दिलाएगा। नहीं दिला सकता फिर मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं जुल्म करने वालों पर FIR भी कर सकता हूं, मैं उनको अंदर भी डाल सकता हूं और मैं ये आपको दिखाऊंगा। ये गैर जिम्मेदारी है, मैं गैर जिम्मेदारी ठीक हूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बानी PTI पर तनकीद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखा कि मुनसिफ का मिजाज, शख्सियात की पसंद और नापसंद, ये सब इंसाफ के हुसूल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, वरना इंसाफ इंसाफ नहीं होगा, बददयानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मजीद लिखा कि शरीफ ख़ानदान और सियासी रफका के साथ बानी PTI के सरपरस्तों ने जो कुछ किया वह हमारी तारीख का शर्मनाक स्याह बाब है। अब जब मकफात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। बानी PTI के हुकूक याद रखने वालों को माजी के मुजालिम का इजाला भी करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी PTI पर तनकीद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखा कि मुनसिफ का मिजाज, शख्सियात की पसंद और नापसंद, ये सब इंसाफ के हुसूल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, वरना इंसाफ इंसाफ नहीं होगा, बददयानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मजीद लिखा कि शरीफ ख़ानदान और सियासी रफका के साथ बानी PTI के सरपरस्तों ने जो कुछ किया वह हमारी तारीख का शर्मनाक स्याह बाब है। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बुशरा बीबी की जानिब से एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। गुज़श्ता समाअत मुलतवी होने के हवाले से हमें आगाह नहीं किया गया। बुशरा बीबी का अब जज से मुकालमा। जज ने कहा जेल इंतजाम की सदा पर समाअत मुलतवी की। वकला की तवील मुशावरत के बाद बुशरा बीबी ने अदम एतमाद वापस ले ली। बानी PTI को जेल में फराहम सहूलतें दीगर कैदियों को भी दी जाएं। कैदियों ने IG जेल खाना चौहान को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि जेल कवानीन के मुताबिक आला दर्जे के कैदियों को हफ्ते में 2 मुलाकातों की इजाज़त है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बाद बानी PTI को मुलाकात की सहूलत दी गई, जबकि उन्हें एक दिन में 6 से भी ज़ायद मुलाकातों की इजाज़त दी गई। खत में कहा गया है कि बानी PTI को जेल में एक्सरसाइज करने के लिए मखसूस साइकिल भी फराहम की गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार। असम्बली फ्लोर पर गुफ्तगू करते हुए बोले कि जहां कोई भी अंदर आ सकता है। उस दिन एक पार्टी के 100 से ज्यादा लोग गैलरी में बैठे हुए थे। सिक्योरिटी स्टाफ से दरख्वास्त है कि कम अज़ कम तादाद में लोगों को आने दें। ऐवान मोटरी दरवाज़ा है, ना ही डी चौक है कि लोगों को जहाँ लाएँ। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। 125 बंदा बैठा हुआ था, एक ही पार्टी से मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे हो। ये बल्कि मैं समझता हूँ कि जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी है हाउस की वो वायलेट होती है जब गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो हाउस के अंदर जो है नारे लगाएं या हाथ मिलाएं या बात करें। ये यहाँ अगर मैं यहाँ खड़ो के इन साहिबान से बात करना शुरू कर देता हूँ वो भी अलाउड नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है और स्टाफ से भी दरख्वास्त है, जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, कि यहाँ पे ये तादाद जो है इसको किसी मिनिमम लेवल पे मेंटेन करें। और कौमी असम्बली का सेशन ख़त्म होते ही तारिक बशीर चीमा की मौतली भी ख़त्म हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने जरताज गुल के लिए नाजेबा अल्फाज कहने पर उन्हें एक सेशन के लिए मौतल कर दिया था। दोनों अरकानी असम्बली के दरमियान गुज़श्ता रोज़ तल कलामी हुई थी। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस की तकरीम और सिक्योरिटी के लिए अहम इकदाम। अरकानी ने पार्लियामेंट के दाखिले के दौरान रुकावट डालने को पार्लियामेंट के तकद्दस की खिलाफवर्जी समझा जाएगा। खिलाफवर्जी की सूरत में ड्यूटी पर मामूर अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक
मीडिया से बात करने की ख्वाहिशमंद अरकान पार्लियामेंट सिर्फ मीडिया सेंटर में ही बात कर सकेंगे। टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स के गेट पर जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सेनेट का कार्ड रखने वाले मेहमान सिर्फ सेनेट से मुतल्लिका हिस्सों तक ही महदूद रहेंगे। गेट नंबर 1 से लिफ्ट तक सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। गैर ज़रूरी अफराद का पार्लियामेंट में दाखिला ममनू होगा। पार्लियामेंट की हदूद के अंदर मोबाइल फुटेज की इजाज़त भी नहीं होगी। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान कहते हैं कि बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा, अदालत से रजू करूंगा। हम अपने कौमी हीरोज़ के साथ कब तक ऐसा सलूक करेंगे? सिक्योरिटी के नाम पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अडियाला जेल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना जाता। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। मेरा सवाल है कि मैंने क्या गुनाह किया? इस गर्मी में अडियाला के गेट पे घंटों में और मेरे वो कला भाई बैठे रहे, हमें आज फिर मिलने नहीं दिया गया। मैं इस पे हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम तोहीन अदालत में जा रहे हैं जेल इंतजामिया के खिलाफ। हम ये करते हैं अपने कौमी हीरोज के साथ, और कब तक करते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे? यहाँ पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर नहीं चलते अडियाला में। अडियाला के ऊपर आईने पाकिस्तान का अमल दरामद नहीं है। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन और सिम्स ब्लॉक करने का हतमी फैसला कर लिया है। नॉन फाइलर्स की सिम्स इनकम टैक्स चैनल ऑर्डर के तहत बंद की जाएंगी। सिम्स और मोबाइल फ़ोन्स ब्लॉक करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। वर्किंग ग्रुप में एफबीआर और टेलीकॉम सेक्टर के नुमाइंदे शामिल हैं। एफबीआर ने नए टैक्स दहिंदगान की तलाश के लिए भी वर्किंग पेपर मुकम्मल कर लिया है। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन और सिम्स को ब्लॉक करने का हतमी फैसला कर लिया। नॉन फाइलर्स की सिम इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की जाएंगी। सिम्स और मोबाइल फ़ोन्स ब्लॉक करने के लिए वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दे दिया गया है। वर्किंग ग्रुप में एफबीआर और टेलीकॉम सेक्टर के नुमाइंदे भी शामिल हैं। एफबीआर ने नए टैक्स दहिंदगान की तलाश के लिए भी वर्किंग पेपर मुकम्मल कर लिया। एक बार फिर आपको बताएं, हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन और सिम्स ब्लॉक करने का हतमी फैसला कर लिया है। नॉन फाइलर्स के सिम्स इनकम टैक्स चैनल ऑर्डर के तहत बंद की जाएंगी। सिम्स और मोबाइल फ़ोन्स ब्लॉक करने के लिए वर्किंग ग्रुप भी तश्कील दे दिया गया है। वर्किंग ग्रुप में एफबीआर और टेलीकॉम सेक्टर के नुमाइंदे भी शामिल हैं। एफबीआर ने नए टैक्स दहिंदगान की तलाश के लिए भी वर्किंग पेपर मुकम्मल कर लिया है। नसीर वागा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। नसीर वागा, डिटेल्स बताइएगा। नसीर वागा, आप सुन पा रहे हैं? एक बार फिर आपको बताएं, अहम खबर के हवाले से, एफबीआर ने नए टैक्स, हुकूमत ने नए नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन और सिम्स ब्लॉक करने का हतमी फैसला कर लिया है। नॉन फाइलर्स के सिम्स इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की जाएंगी। सिम्स और मोबाइल फ़ोन्स ब्लॉक करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। नसीर वागा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी नसीर वागा, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने एफबीआर को काफ़ी दिन पहले ये कहा था कि वो सिम्स जो नॉन फाइलर्स के नाम है उनको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए, जिस पर एफबीआर ने वर्किंग की। लेकिन जो मुख्तलिफ कंपनियां थी मोबाइल फोन की, वो इस बात पे राजी नहीं हो रहे थे। उन्होंने फिर पीटीए से रब्ता किया, उन्होंने फिर कहा कि हम किस कानून के तहत बंद करेंगे। लेकिन आखिर हतमी तौर पर अब हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि हम स्लैब वाइज ग्रेजुअली 5,000 10,000 सिम्स को ब्लॉक करेंगे। और इस बारे में अब फैसला हो चुका है कि नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन और सिम, मोबाइल फोन अगर बगैर सिम के चल रहे हैं तो वो भी ईएमआई नंबर के जरिए बंद करेंगे, और सिम्स और ब्लॉक करने के लिए बाकायदा एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। इस वर्किंग ग्रुप में एफबीआर और टेलीकॉम सेक्टर के नुमाइंदे शामिल हैं, जो फैसला कर रहे हैं कि अब इसको किस तरह बाकायदा कानून साजी करके सिम्स और मोबाइल फोन को ब्लॉक किया जाए। इसके जरिए उनका ये ख्याल है कि नए टैक्स दहिंदगान की तलाश भी एफबीआर को जो है वो मुकम्मल होगी, और जो सिम्स ब्लॉक करने का एक इशू खड़ा हो रहा था कि किस कानून के तहत करें, इस चीज का उन्होंने अब हतमी कोई रास्ता निकाल लिया है कि हमने किस तरह सिम्स ब्लॉक करनी है, ताकि कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा या कोई अदालत।
सिमें ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। अगर कोई टैक्सपेयर नहीं है, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नॉन फाइलर्स के सिम में ब्लॉक करने से मुतालिक केस में रिमार्क्स, अटॉर्नी जनरल ने मौके पर अख्तियार किया कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। और बच्चों के लिए अच्छी खबर, पंजाब में स्कूल्स में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। सुबह भर में तातीलात जख्म जून से शुरू होंगी और 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो आपको बताएं कि बच्चों के लिए ये अच्छी खबर है। किसान मुश्किलात का शिकार हैं और टिकटॉकर की सदर के पास किसानों के लिए वक्त नहीं है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद खैसर की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, स्पोर्ट प्राइस पर गंदम खरीदारी का मुतालबा भी कर दिया। बोले कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, गन्ने की फसल के पैसों पर किसानों को नहीं मिले। आप में किसान रुल रहे हैं, उनकी जो गंदम की फसल है वो उनके पास पड़ी हुई है। पंजाब के किसानों का सारा दावर मदार जो है ना, उसकी पूरी साल का खर्चा, उसकी तमाम तकरीबात, उसकी गमी खुशी इस गंदम के साथ या गन्ने के साथ होती है, और वो दोनों इस वक्त इस बुरे हाल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं कि यहाँ हमारी टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर, अभी हम देख रहे थे कि वो एक किस्म की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वर्दी पहनी हुई थी और ड्रामाबाजी कर रही है। इसकी जगह जरूरत इसकी है कि वो किसानों के साथ कड़ी हो। हम जाएंगे, आपने किसानों के साथ खड़े होंगे। अच्छा, दूसरा इशू गन्ने का है। अच्छा, इस वक्त जो गन्ने के काश्तकार है वो भी रोल लड़ रहे हैं। जो शुगर मालिकान हैं, जो कि पीटीआई के दौर में किसी के पास जो है ना जरूरत नहीं थी कि वो किसी किसान के पैसे रोके। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अरबों डॉलर की गंदम इंपोर्ट करने से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट कहां गई? मुश्किल तरीन वक्त में महंगी गंदम क्यों खरीदी गई? हुकूमत ने किसानों से धोखा किया। आटा सस्ता करना और गंदम का रेट देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 76 बरस में पहली बार हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी। 400 अरब रुपए का चूरन बेचने नहीं देंगे। एक तरफ कहा जाता है कि पैसे नहीं हैं, कैसे खरीदें, और दूसरी तरफ दुबई लीक सा करें। हुकूमत को करप्शन अल्लाह ने चाहा तो नहीं करने देंगे इंशाल्लाह, और ये काम हम आवाम के साथ और किसानों के साथ मिलकर करेंगे, ताकि ये जो माफियाज हम पर मुसल्लत हैं, हर चीज में लूट मार करते हैं, या इनसे हमारी जान छूट जाए। इसी तरह हम ये समझते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम खरीदारी इसलिए नहीं कर रहे कि पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये पैसे, ये डॉलर कहाँ जा रहे हैं? ये प्रॉपर्टी लीक्स आ गई ना दुबई की। बिजली की कीमत मजीद बढ़ेगी या नहीं? नेफ्रा में समात मुकम्मल, इजाफे की सूरत में सार्फीन पर 1.45 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बोझ पड़ेगा। नेफ्रा हुकाम कहते हैं कि समाही एडजस्टमेंट जुलाई अगस्त सितंबर के बिलों में महीनों में लगाने की तजवीज़ की गई है। करंगी एसोसिएशन ने महंगी बिजली पर तहफ़ुज़ात का इजहार भी किया। चेयरमैन नेफ्रा का कहना था कि हेस्को नेफ्रा को इंतहाई इकदाम पर मजबूर कर रही है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक हेस्को के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। अवैस लगारी ने कहा कि 2022-23 में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.91 रुपये फी यूनिट इजाफा किया। 2023-24 में बुनियादी टैरिफ में 5.75 रुपये फी यूनिट इजाफा किया गया था। माली साल 22-23 और 24 तक सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली नरखों में 11.34 रुपये इजाफा किया गया। और पार्लियामेंट से मुतादित बिल मंजूर होने के बावजूद नाफिज ना हो सके। 12 अहम बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बावजूद इल्तवा का शिकार हैं। 3 बिल सदर मुमलिकत की मंजूरी के लिए ना भेजे जा सके। एमनी जी अराकीन के 9 बिल्स सदर मुमलिकत को भेजे नहीं गए। पाकिस्तान रुयत हलाल बिल, जज हज और उमरा रेगुलेशन बिल और इस्लामाबाद कुदरती तहफ़ और जंगली हयात इंतजाम बिल 2023 भी इल्तवा का शिकार है। मुजवजा बिलों की मंजूरी के लिए वजारत पार्लिमानी उमूर ने काम शुरू कर दिया है। अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में सदर
پی ایچ ایف طارق حسین اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ اہم خبر ہے، آرمی چیف نے قومی ہاکی ٹیم کی شاندار کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے، ہاکی ٹیم کی شاندار کارکردگی قوم کے لیے باعث فخر ہے، یہ کہنا تھا آرمی چیف جنرل آصف منیر کا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف کی یہ ملاقات ہوئی ہے قومی ہاکی ٹیم کے ساتھ اور انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر سے پاکستانی ہاکی ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں صدر پی ایچ ایف طارق حسین اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ آرمی چیف نے قومی ہاکی ٹیم کی شاندار کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ ہاکی ٹیم کی شاندار کارکردگی قوم کے لیے باعث فخر ہے، یہ کہنا تھا آرمی چیف جنرل آصف منیر کا۔ اہم خبر ہے، ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر سے پاکستان ہاکی ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں صدر پی ایچ ایف طارق حسین اور دیگر عہدیداران کی بھی شرکت۔ آرمی چیف نے قومی ہاکی ٹیم کی شاندار کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہاکی ٹیم کی شاندار کارکردگی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی جان لیتے ہیں نمائندے خصوصی صدیق ساجد سے۔ صدیق، ڈیٹیلز بتائیے گا۔ آج پاکستان کے مطابق قومی ہاکی ٹیم نے آج جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ کیا ہے اور آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق حسین اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ آرمی چیف نے قومی ہاکی ٹیم کی ملیشیا میں سلطان ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں جو شاندار کارکردگی تھی اس کو سراہا اور کہا کہ ہاکی ٹیم نے کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ہاکی ٹیم کی مسلسل کامیابیوں کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر پی ایچ ایف کے صدر نے ٹیم سے ملاقات اور بات چیت پر آرمی چیف کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا صدیق ساجد۔ وزیراعظم شہباز شریف جون کے پہلے ہفتے میں چین کا چار روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق دورے کے لیے 4 سے 7 جون کی تاریخیں تجویز کی گئی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورے میں سی پیک کے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے پر بھی بات چیت ہوگی۔ 4 سے 7 جون کی تاریخ تجاویز کی گئی ہیں۔ مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط کا بھی امکان ہے۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی یقینی بنانے کا حکم۔ مریم نواز کے تمام اضلاع کے انتظامیہ کو کرایوں میں کمی پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے، ٹرانسپورٹ کرائے کم کر کے عوام کو ریلیف دیں گے۔ تو آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی یقینی بنانے کا حکم۔ مریم نواز کے تمام اضلاع کے انتظامیہ کو کرایوں میں کمی پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے۔ اور سینئر صوبائی وزیر شرجیل نام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس۔ حکومت سندھ کا نئے مالی سال میں صوبہ بھر کے لیے مزید بسیں لانے کا فیصلہ۔ شرجیل نام میمن کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کا ویژن ہے کہ تحصیلوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹر سے ملایا جائے۔ اس کے لیے پیپلز بس سروس کے تحت سکیم لانے پر غور کر رہے ہیں۔ سکھر سے لاڑکانہ اور خیرپور بھی پیپلز بس سروس شروع کی جائے گی۔ حیدرآباد کے مرکزی علاقوں میں ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے پارکنگ پلازے کی تعمیر کا فیصلہ۔ اور ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں معمولی کمی، مہنگائی کی مجموعی شرح 21.22% تک آ گئی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 20 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ 16 کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ دال چنا 3 روپے کلو اور انڈے 2 روپے فی درجن تک مہنگے ہوئے۔ ایک ہفتے میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 27 روپے کی کمی آئی۔